हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 22 फरवरी 2019 की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कंपटीशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD मिनिस्ट्री लॉन्चेज ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड ऑन द लाइन्स ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड टू प्रोवाइड बेटर डिजिटल एजुकेशन इन स्कूल। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की तर्ज पर ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट, एन MOU वाज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में अगले 10 वर्षों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय कनाडा के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, ए टेले लॉ मोबाइल एप्लीकेशन न्याय बंधु वाज लॉन्च्ड बाय द लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा एक टेली लॉ मोबाइल एप्लीकेशन न्याय बंधु लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, कालिया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ फार्मर्स बेनिफिटेड अंडर द कालिया स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इन भुवनेश्वर ओडिशा। कालिया योजना के तहत किसानों के बच्चों को लाभान्वित करने के लिए कालिया छात्रवृत्ति ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा भुवनेश्वर ओडिशा में शुरू की गई है। आइए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय समाचारों की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन सियोल ऑन ए 2-डे विजिट टू साउथ कोरिया। मिस्टर मोदी विल होल्ड बायलेटरल टॉक्स विद साउथ कोरियन प्रेसिडेंट मून जा इन एंड रिसीव द सियोल पीस प्राइज इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज डेडिकेशन टू इंटरनेशनल कॉरपोरेशन ग्लोबल ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया की 2 दिवसीय यात्रा पर सियोल पहुंचे। श्री मोदी दक्षिणी कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक विकास और मानव विकास के लिए उनके समर्पण के सम्मान में सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, ए मंथ लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ इंडिया बिगन इन काठमांडू नेपाल टू फेमिलराइज द न्यू जनरेशन ऑफ द कंट्री अबाउट द सिमिलरिटीज बिटवीन द टू कंट्रीज। दोनों देशों के बीच समानता के संबंध में देश की नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए काठमांडू नेपाल में 1 महीने का फेस्टिवल ऑफ इंडिया आरंभ किया गया। आइए बात करते हैं समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज, सम्मेलन एवं वार्ताओं की। ए रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन दीनदयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम वाज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलकाता वेस्ट बंगाल। DDRS इज ए स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना पर एक क्षेत्रीय सम्मेलन कोलकाता पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया।
DDRS सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा कार्यान्वित योजना है। नेक्स्ट, हीरालाल समारिया सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनोग्रेटेड द 3 डेज कॉन्फ्रेंस ऑन द विजन जीरो एंड इट्स रिलीवेंस टू ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वॉज हेल्ड इन मुंबई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव हीरालाल सामरिया ने मुंबई में विजन जीरो पर 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी प्रासंगिकता व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित थी। नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस वर्ल्ड CSR कांग्रेस 2019 प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल डेवलपमेंट। द 8th वर्ल्ड CSR कांग्रेस वॉज हेल्ड इन मुंबई महाराष्ट्र। द थीम ऑफ द ईयर 2019 इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टू फोकस ऑन कॉरपोरेट स्ट्रेटेजीज इनोवेशन एंड स्ट्रेटेजिक अलियंस। डॉक्टर सौमित्रा चक्रवर्ती वॉन CEO ऑफ द ईयर अवार्ड। वर्ल्ड कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कांग्रेस उद्यमिता सामाजिक उत्तरदायित्व स्थिरता और सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है। 8वां विश्व CSR सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। वर्ष 2009 का विषय सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ताकि कॉरपोरेट रणनीतियों नवाचार और रणनीतिक संबंधों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। डॉक्टर सुमित्रा चक्रवर्ती ने CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, द 4th इंडियन एशियन एक्सपो एंड समिट स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। दिस इज ए फ्लैगशिप इवेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद फिक्की टू कैरी फॉरवर्ड द मोमेंटम एंड टू फर्दर स्ट्रेंथन इंडिया एशियन रिलेशनशिप अंडर द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। 4th भारतीय आसियान एक्सपो और शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ। यह वाणिज्य विभाग का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत आसियान संबंधों को गति देने और आगे बढ़ाने के लिए फिक्की के साथ आयोजित किया जा रहा है। आइए बात करते हैं बैंकिंग न्यूज बैंकिंग समाचारों की। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड रिकैपिटलाइजेशन ऑफ 48,239 करोड़ रुपीज इन 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन दिस फिस्कल टू हेल्प देम मेंटेन रेगुलरिटी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड फाइनेंस ग्रोथ प्लान। सरकार ने इस वित्त वर्ष में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में 48,239 करोड़ रुपए के पुनर्पंजीकरण को मंजूरी दी है ताकि उन्हें नियामक पूंजी आवश्यकताओं और वित्त विकास योजनाओं को बनाए रखने में मदद मिल सके। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, ऑप्टूरिज निधन। वेटरन बॉलीवुड प्रोड्यूसर एंड फादर ऑफ फिल्म मेकर सूरज बड़जात्या राजकुमार बड़जात्या पास्ट अवे इन मुंबई। प्रसिद्ध बॉलीवुड निर्माता और फिल्म निर्माता सौराज बड़जात्या के पिता राजकुमार बड़जात्या का मुंबई में निधन हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है, वो कमेंट बॉक्स में डालें। हमारे वीडियोज को शेयर करें और साथ ही साथ UV कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।